India becomes the fifth largest economy in the world. A Bloomberg report analysis of IMF data says India has outpaced the UK in the final 3 months of 2021 to reach the fifth position after US, China, Japan and Germany. The Indian economy is estimated to grow at more than 7% this year and will remain the fastest large economy. The fact that India has become the fifth largest economy in the world, overtaking United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says the world looks at India's economic recovery after COVID-19 with a great deal of respect, adds that India is poised for economic growth of 7 to 8%. Also highlights schemes for supply of food grains and money introduced during COVID-19 pandemic to help the poor. पिछले दो दिनों से आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में इंडियन इकोनॉमी छाई हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। किसी भी देश के आर्थिक स्वास्थ्य यानी कि इकोनॉमी उस देश की जीडीपी के ऊपर में डिपेंड करती है। जीडीपी देशों की इकोनॉमिक रैंकिंग में मदद करता है। चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमिक कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमी है। अमेरिका की जो वास्तविक जीडीपी 23 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। यूएस की जो सर्विस सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप है और टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे निकला है, और यही दो सेक्टर की प्रोडक्शन से ही अपनी 80% जीडीपी ग्रोथ में आगे बढ़ गया है। इसके अलावा यूएस टेक्नोलॉजी, रिटेल, फाइनेंस और हेल्थ केयर की फील्ड में भी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉरपोरेशन जैसे कि एप्पल और गूगल, ये भी यूएस में ही है। नंबर 2 चाइना। चाइना की जो अर्थव्यवस्था है पिछले कुछ दशकों में आश्चर्यजनक देखी गई है। यही वजह है कि चाइना ने दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी की लिस्ट में सेकेंड पोजीशन पर कब्जा करने में मदद की है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो है 14.72 ट्रिलियन डॉलर। नंबर 3 जापान। जापान एशिया का सेकेंड और वर्ल्ड का थर्ड नंबर पर आती है। उसकी जीडीपी है 5.6 ट्रिलियन डॉलर। नंबर फोर पर आती है जर्मनी, यूरोप की फर्स्ट और वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। जर्मनी की जो जीडीपी है वो है 3.85 ट्रिलियन डॉलर। नंबर 5 इंडिया। हाल ही में इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर वर्ल्ड इकोनॉमी में फिफ्थ पोजीशन पर जगह बना लिया है। रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जीडीपी 13.5% बढ़ गई है। इंडिया की करेंट जीडीपी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर। इन 5 देशों को छोड़कर नंबर 6 पर है यूनाइटेड किंगडम, नंबर 7 पर फ्रांस, नंबर 8 कनाडा, नंबर 9 इटली और फाइनली नंबर 10 पर है ब्राज़ील। तो दोस्तों, हमने देखा कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो गई है और फिफ्थ पोजीशन पर रैंक कर रही है, वर्ल्ड में फिफ्थ पोजीशन पर आ गई है। तो क्या हमें हमारे देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ से कुछ बेनिफिट हो सकते हैं? क्या हमें बेनिफिट होगी कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ से? देखिए, जब भी कोई देश के इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो क्या होता है कि वो देश जो है सबसे ज़्यादा गुड्स या कि सामान ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, अगर देश का अगर हमारा जो सामान ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो गवर्नमेंट वो सामान में टैक्स लगाएगा और टैक्स लग के जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पैसा को लेकर हमारे देश में हेल्थ केयर सेंटर, पब्लिक के लिए जितना कुछ भी फैसिलिटी चाहिए वो सब हम बना सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली देश ग्रो हो सकता है और इससे हमें बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जानने को मिला होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग फिट एंड फाइन रहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।